नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ये खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय आश्रम के हरिहरानंद स्वामी बीते दो दिनों से लापता हो गए हैं। दरअसल हरिधाम सोखड़ा मंदिर के विवाद के बाद गादी का एक और विवाद सामने आया है। बीते दो दिनों से हरिहरानंद स्वामी के लापता होने के चलते वडोदरा के वाड़ी पुलिस थाने में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस की ओर से उन्हें ढूंढने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच हरिहरानंद स्वामी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय आश्रम के विल के मामले के चलते उन्हें लापता हो जाना पड़ा है। दरअसल भारतीय आश्रम के विल के मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी लिए परेशान होकर वो गादी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने लायक होगा। जूनागढ़ भवनाथ खाते आवेला भारतीय आश्रम ना महान आ महामंडलेश्वर हरिहरानंद बापू 30 एप्रिल ना वडोदरा खाते थी गुम थयानी घटना बहार आवी छे। तेवो एक चिट्ठी अने ऑडियो मार्फत एवं पण जणाव्युं छे के सरखेज खाते ना आश्रम ना व्हील ने लई मारा पर सतत दबाणो थई रह्या हता, जेने लई तेवो हाल गुम थयानी घटना बहार आवी छे। ત્યારે બાપુ હરિહરાનંદ જ્યારે લાપતા હાલ છે અને તેઓ પાછા જ્યારે પરત ફરશે ત્યારે જ આ ઘટના શું હતી, તેમના પણ કોણ દબાણ કરી રહ્યું હતું, તેની સાચી વિગતો જાણવા મળશે। બીઆરજી ન્યૂઝ, પ્રકાશ દવે, જૂનાગઢ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।